हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हैवी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये कुर्ती हमारी बहुत ज़्यादा हैवी है और इसमें स्टोन वर्क है गले पर। तो देखिए, इसको पहले खोल लेते हैं अच्छे से। अब ये जो बॉर्डर है नीचे की साइड में, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम बाद में लगाएंगे। तो अगर पहले कुर्ती को प्रेस कर लेंगे, प्रेस करके अच्छे से इसको सीधा करके, तब इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर आपकी आपका कपड़ा अगर सिकुड़ रहा हो तो प्रेस करके सीधा कर लें। तो देखिए, अच्छे से इसको गले से इस तरीके से गला मिलाकर इस तरीके से रख दें, बीच में से सेंटर सा बना के एकदम अच्छे से यहाँ पर इसको हम बिछा लेंगे। ये देखिए, हमने बिछा लिया है। अब इसके गले की लंबाई देख लेंगे, 7 इंच आ रही है तो एकदम सही है। 7.5 पर हमने निशान लगा लिया है, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा और इसको सीधा कर लिया है। अब इसके आर्म होल का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर, और कमर का निशान लगा लेंगे 14 इंच पर, और आर्म होल से यहाँ तक नाप लेंगे हिप साइज तक 13 इंच पर रख लिया है। चाक, जिसे हम चाक भी बोलते हैं, और इन निशानों को सीधा कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से कुर्ती की मैंने कटिंग करी है और स्टिचिंग भी। वीडियो को पूरा देखना, स्किप करना मत बिल्कुल भी। शोल्डर का निशान लगा लिया है 6 इंच पर, और इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे चौकोर बॉक्स बना के, और 1/2 इंच हमने पीछे की तरफ इस तरीके से निशान लगा लेना है। पहले हम ये जो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, और हमने चेस्ट रख लिया है 9 इंच पर, और 8 इंच पर कमर, और 9.5 इंच पर हिप साइज़ रख लिया है, क्योंकि ये 36 साइज़ की कुर्ती है। अब ये जो शेप पट्टी आती है पैंट कटिंग करने की, इसी से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाती है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसी से हम मार्जिन भी इसी से ही रख लेंगे। ये देखिए, सीधा कर लेंगे नीचे तक, ये बिल्कुल सीधा कर लिया है। और 1 इंच पर इस तरीके से हम आर्म होल की गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट की। देखिए, ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करना भूल जाते हो। ये देखिए, हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई है, ये हमारा बैक पार्ट हमने इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद साइड हमने अपनी तरफ रखी है। फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर एकदम इस तरीके से किनारी मिलाकर रख लेना है, एकदम बराबर करके अच्छे से सेट करके रख लेना है। आगे से बिल्कुल बराबर रखना है बंद वाली साइड से। अब 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान और लगाएंगे आर्म होल की तरफ। ये बैक वाले आर्म होल का हम निशान लगा रहे हैं। अब इस निशान की भी गोलाई दे देते हैं, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब इसके हम चाक पर कट लगा रहे हैं, कमर पर भी कट लगा लिया है। आर्म होल नाप लेंगे हम इस तरीके से, पीछे के साइड वाले 8 इंच आ रहे हैं, इसी से हम बाजू कट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से। तो देखिए, निशान लगा लेते हैं लंबाई का। ये थोड़ी छोटी हैं तो हम आगे भड़मा पट्टी लगा लेंगे, अलग से जॉइंट कर लेंगे। 3 इंच पर एक निशान और लगा दिया है। दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और आगे हम बाजू की गोलाई रख लेंगे 5 इंच पर, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया मार्जिन का। 8 इंच जो नापा था हमने आर्म होल, वो रख लेंगे, और 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। बाजू की इस तरीके से शेप दे देंगे। अब ये हम मार्जिन और फिटिंग का निशान लगा लेंगे, कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से दोस्तों मैंने कुर्ती की कटिंग करी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आया हो तो। तो देखिए, आगे के आर्म होल की भी कटिंग हम कर लेंगे, 1/2 इंच का इस तरीके से निशान लगाकर।
तो दोस्तों ये देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग भी बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के गले को बना लेते हैं बिना बुकरम के ही, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। देखिए इसको पहले अच्छे से नाप लेंगे, ये देखिए। अब इसके जो सेंटर है उसमें हम कट लगा लेंगे एक बीच सेंटर का। अब ये हमने एक कपड़ा ले लिया है, नाप लेंगे पहले, हमारा गले से बड़ा ही कपड़ा होना चाहिए। इसको भी हम बीच में से कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से रख लेंगे, कुर्ती को उल्टा रखना है ताकि हमको समझ में आ जाए, और पिन लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए पिन हमने लगा ली है, आप इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब जो गले की कढ़ाई हो रही है उसके बगल बगल सिलाई लगानी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से मैंने इसमें गला बना लिया है हैवी कुर्ती में, तो ऐसे ही आप बना सकते हो। ये देखिए कटिंग कर लेंगे, कट लगा लेंगे छोटे छोटे, सिलाई बिल्कुल ना कटे। ये देखिए अब जो बाहर की साइड जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, हमने 1.5 इंच की पट्टी रखनी है बस उतना, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमको कट कर देना है गुलाई शेप में ही। देखिए कपड़ा कट कर लिया है, अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब पट्टी को 1/2 इंच हम फोल्ड कर लेंगे, ये पट्टी को भी फोल्ड कर लिया, और इसको हमने गले को भी पलट लिया है। ये देखिए कच्ची सिलाई लगा लिया, इस पर हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। देखिए गला कितने फिनिशिंग के साथ बन गया है दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत सिंपल और सरल तरीके से और जल्दी भी बन जाता है। अब नीचे की साइड हम बॉर्डर लगाएंगे, 1 इंच कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, बॉर्डर को रखकर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉर्डर पर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लाइक भी नहीं करते हो। देखिए बॉर्डर हमारा लग गया है, अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट के भी हमने कट लगा लिया है सेंटर का। इसका गला हमने पहले ही कट करके रखा है, और बीच सेंटर का भी हमने निशान लगा लिया है, और गले पर भी बीच सेंटर का निशान लगा लिया है। अब कट टू कट हमको मिला के रखना है, एकदम कट टू कट मिलाना है, और जो निशान लगाया है नीचे की साइड में वो भी हमको मिला के रखना है। पिन लगा लिए हैं हमने, डोरी हमने पहले बना के रखी थी, अब डोरी को हम इसके भी अटैच कर लेंगे साथ में ही। गला हमने पॉट गला बनाया है, जो फ्लावर पॉट होता है उस तरीके का हमने गला बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें गला बना सकते हो पेपर पेस्टिंग पर कट करके। तो देखिए गला हमने सिल लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर रहे हैं बीच का 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर। अब इसमें कॉर्नर के हमने कट लगा लेने हैं, और छोटे छोटे कट लगा के इसको पलटना है, सिलाई ना कटे दोस्तों, ध्यान से कट करें। अब इसको हम पलट कर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे, ये गला बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए इसको हमने कच्चा भी कर लिया है, शोल्डर हम ऐसे ही ज्वाइंट कर रहे हैं, और भी तरीके हैं शोल्डर ज्वाइंट करने के, पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ इनको। तो देखिए शोल्डर हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड का, इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, अब यहाँ से हम डबल कर लेंगे सिलाई को। देखिए सिलाई हमने लगा ली है फिटिंग की, अब इस निशान को गहरा करके अब हम दूसरी साइड पर भी निशान इस तरीके से ही लगा लेंगे, कट मिलाकर, हिप का कट मिलाकर इस तरीके से हम रख लेंगे, और इस पर निशान हम दूसरी साइड में भी इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए निशान आ गए हैं, अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई हमने कर ली है, तो अब इसकी हम बाजू लगाएंगे, बाजू में हम पट्टी को बढ़ाकर लगाएंगे नीचे से, फोल्ड ऐसे ही नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स आ रही थी हमारी बाजू। तो देखिए हमने पलट लिया बाजू को, 5 इंच हमने मोहरी का रख लिया है बाजू की मोहरी का, और आर्म होल को एक बार आप ऐसे भी नाप सकते हो, जहाँ भी आ रहा हो वहाँ पे निशान लगा लें, ये परफेक्ट ही आ रहा है।
स्केल से इस तरीके से सीधा भी कर लें। इसको सिल लेंगे जो हमने निशान लगाया है, अब वो हमने बाजू को सीधा कर लिया है। अब कुर्ती के अंदर की साइड इस बाजू को सीधा करके रखना है इस तरीके से, और मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, घुमा के सिलाई लगा देंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से ये बाजू लग जाती है, और आप सीधी भी बाजू लगा सकते हो। देखिए बाजू कितनी परफेक्ट तरीके से लग गई है, ये देखिएगा। ऐसे ही दूसरी वाली लगा लेंगे हम बहुत ही सिंपल सरल तरीके से। ये देखिए दोनों बाजू हमारी लग गई हैं। अब इसके हम घेर फोल्ड करेंगे। घेर फोल्ड हम बहुत आसानी से कर लेंगे, आप वीडियो में ज़रूर देखिए। देखिए पहले इसको जो यहाँ से हमने हिप की सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इसको इस तरीके से रख लेंगे अच्छे से, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे हाथ से। अब चौक से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे, पलट के फोल्ड कर लेंगे। आप सिलाई का रखना चाहते हो सिलाई कर लो पक्की, और हम इस पर तुरपाई करेंगे बाद में। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से हमारे चाक फोल्ड हो जाएंगे। देखिए हम अब दूसरी साइड का अब चाक फोल्ड करेंगे इस तरीके से बराबर करके। आप इस तरीके से चाक फोल्ड करोगे तो आपके बिल्कुल भी घूमेंगे नहीं, क्योंकि घूमने वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है सूटों में कि चाक उनके घूम जाते हैं चलते वक्त। इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आप नहीं घूमेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी साइड के भी चाक फोल्ड कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर फोल्ड हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कुर्ती बनकर हमारी तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।